उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पहले चरण में राज्य के 11 जिले जिसमें शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की 58 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ की विधानसभा सीटों पर लोगों की सीधी नज़र टिकी हुई है। इन सभी जगहों पर मतदान सुबह से हो रहा है। वहीं शुरुआती कुछ घंटों की ही अगर बात करें तो कई जगहों से ईवीएम मशीनें खराब होने की खबरें भी आ रही थीं। गाजियाबाद, मथुरा और मेरठ में मशीनें खराब होने की जानकारी मिली। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में बूथ नंबर 341 की आधे घंटे से मशीनें खराब रहीं। वहीं लोनी बूथ नंबर 17 प्राथमिक विद्यालय बदरपुर पर भी मशीनें खराब रहीं। इसी के साथ मेरठ से हमारे सहयोगी बीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं मेरठ के चुनाव का क्या है हाल। गुप्ता जी, सुबह को सूचना मिल रही थी कि बूथों पर ईवीएम मशीनें दिक्कत कर रही थी, तो अब क्या ईवीएम मशीनें कार्य कर पा रही हैं? ईवीएम मशीनें बिल्कुल सही काम कर रही है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज प्रथम चरण के मतदान हो रहे हैं, कितनी सजग दिख रही है मेरठ की जनता? मतदान अच्छा चल रहा है, अभी तक का 24% का लगभग मतदान हुआ है। ठीक है, चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ व्यापक इंतजाम किए गए हैं? बहुत अच्छे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो वृद्ध है 80+ है, उनको सबसे पहले मतदान किया जा रहा है। ठीक है, युवाओं के लिए कोविड-19 को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। इस चुनाव में जिला प्रशासन द्वारा जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? आम जनता के लिए आने जाने की सुविधाएं सुचारू रूप से दी गई है। मेरठ में जनता कितना उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव के प्रति? मेरठ में जनता का उत्साह बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा गुप्ता जी, पुनः कुछ देर बाद आपसे जुड़ेंगे चुनाव अपडेट के लिए। ठीक है।